तो गाइस यार स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने कल वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, स्टिक सोडा और सिल्वर फॉइल है उनके बीच में अगर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो वहां से निकलती है हाइड्रोजन गैस, मैंने बताया था। तो किसी भी भाई ने पूछा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है? तो दोस्तों प्रूफ को ढूंढने के लिए आज फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज उसी रिएक्शन को कराएंगे और वो कराएंगे एक बोतल में, और बोतल के ऊपर लगाएंगे एक बलून और बलून के अंदर भरेंगे उस हाइड्रोजन गैस को और फिर चेक करेंगे कि ये वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक तो हवा से हल्की होती है और दूसरा रीजन उसका है कि वो बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक होती है। तो आप लोगों से कहूँगा ऐसा कुछ भी कहीं पर ट्राई ना करें, बाकी करने के लिए हम लोग हैं, आप लोग केवल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास पूरा सामान आ चुका है। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट हम लोगों ने ये ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कास्टिक सोडा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो आपकी स्किन के साथ रिएक्शन कर सकता है। कुछ लोगों की स्किन के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो अलग बात है, परंतु हमारी स्किन के साथ ये रिएक्शन करता है तो इस वजह से हम लोगों ने ग्लव्स पहन लिए। और उसके बाद यहाँ पे है कास्टिक सोडा और ये है आपकी एल्युमिनियम फॉइल और इस बर्तन के अंदर है पानी और यहाँ पे है बोतल। बस एक चीज रह गई, उसको लेके आता हूँ अभी। तो मित्रों वो चीज थी बलून, जो कि सबसे जरूरी है क्योंकि जो गैस बनेगी उसको स्टोर करने के लिए ये चाहिए होगा। तो यहाँ पर बलून हम ला चुके हैं और इसके बाद इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस बोतल के अंदर पानी डालेंगे थोड़ा सा, आपको दिखाई नहीं देगा रिएक्शन। अगर रिएक्शन आप लोगों को देखना है तो कल वाली वीडियो में मैंने केवल पूरा के पूरा वीडियो रिएक्शन के ऊपर ही बनाया था, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, क्योंकि ये बोतल का कलर थोड़ा डार्क है और मेरे पास यही कांच की बोतल अवेलेबल थी, प्लास्टिक वगैरह में ये जल जाती और रिएक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इस वजह से इस कांच की बोतल में मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद इसमें डालते हैं सिंपली कास्टिक सोडा, जो कि आप सभी लोग जानते हो, कल वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा भाषण दिए थे इसके बारे में मैंने, तो यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा, थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूँगा पास से आकर दिखाएं। और इसको डालते हैं इसके अंदर, तो एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे जाए तो दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां तक इसमें पानी है यहां तक और यहां पर कास्टिक सोडा है, तो काफी है मेरे हिसाब से। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, तो मेरे हिसाब से घुल गया है इसके अंदर, क्योंकि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इसमें। और उसके बाद इसमें डालते हैं एल्युमिनियम फॉइल और उसके बाद लगाएंगे बलून को, फिर देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, परंतु जो भी होगा काफी मजेदार होगा, तो इस वजह से इसको डालते हैं। इसको इस तरह से डालेंगे जो ये इसके अंदर इजीली आ जाए, बॉल ही बना देते, छोटे छोटे टूक करके डालते हैं, पीसों में डालते हैं, क्योंकि ज्यादा जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो इसमें और जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो हमें जल्दी से जल्दी मिले और यहाँ पे नतीजे हमें जल्दी से जल्दी देखने को मिले। लगभग इसका रिएक्शन मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को, लगभग इसका रिएक्शन होता है जो वो आधे घंटे का होता है। यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है और इसके बाद सिंपली लगाते हैं इसमें बलून। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं ये कितनी देर में भरता है, कितनी जल्दी इसमें रिएक्शन होता है। थोड़ा सा और इसको हिला देते हैं यहां से और मेरे हिसाब से रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बोतल का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा। और इसको हिला देते हैं और देखते हैं ये भर पाती है या नहीं भर पाएगी, जो भी है आप लोगों के सामने होगा वीडियो में। दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे इस रिएक्शन का टाइम लैप, जो कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, परंतु आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी में, तो टाइम लैप का एंजॉय कीजिए।
तो गाइस यार लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद हमें इतनी सी हाइड्रोजन मिली है इससे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है मेरे को तो नहीं पता इस चीज के बारे में। मेरे ख्याल से क्योंकि जो रिएक्शन होता है उसको करने के लिए वहां पर ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जितनी ऑक्सीजन इसमें थी इस बोतल के अंदर उससे इतनी हाइड्रोजन इसमें बना दी। दो बार में हमने किया था, आप लोगों को टाइम लैप में दिखाई दे जाएगा, परंतु यह हाइड्रोजन है बिल्कुल श्योर है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये बलून में इतनी पावर तो नहीं है कि ऊपर की तरफ उठ जाए, परंतु इतना भारी भी नहीं है कि एक साथ नीचे की तरफ चला जाए। क्योंकि पहले एलपीजी वाले में मैंने आप लोगों को दिखाया था, एलपीजी वाला इस तरह से जा रहा था नीचे को, तो ये प्रूफ करता है कि ये जो गैस है हाइड्रोजन है और हल्की है हवा से। यहाँ पर आप लोग देखो अगर इसको ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जाए तो ये मेरे ख्याल से 100% वर्क करेगा। और अब इसका टेस्ट करते हैं कि ये ज्वलनशील है या नहीं, तो उसके लिए हमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसके विस्फोट पर कोई भी अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया है, क्योंकि अगर कर पाता तो उसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता कहीं ना कहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। और दोस्तों सेफ्टी के लिहाज से हमारे पास एक लाइटर जो ऑटोमेटिकली बन गया था मेरे से एक बार, आप लोग देख सकते हो ये अभी जला हुआ है। ये कैसे बनाता है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और सेफ्टी के लिहाज से वही सामान है हमारे पास जो कि लाठी में लगाकर इसको जो सेफ डिस्टेंस है उससे इसको जलाने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इस लाइटर को करते हैं सेट। तो दोस्तों ये यहाँ पे जल रहा है और एक निश्चित डिस्टेंस से मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा इसके अंदर 101% हाइड्रोजन थी, और हाइड्रोजन का जो ब्लास्ट था वो भी देखा आप लोगों ने। और इस लाइटर को पहले बंद कर देता हूँ, इसकी जो गैस है वैसी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस लाइटर के पीछे का रीज़न बताऊँ तो ये एक दिन मैं रात में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये मेरे पैर के नीचे आ गया था, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो गया, जैसे दबा देते हैं तो ये चलता रहेगा और बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट काम आएगा, इस वजह से इसको रख लिया। आप लोग देख सकते हो और जब इसको ऊपर करते हैं तो बंद हो जाता है, नीचे करते हैं तो चलता रहता है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से शायद दिखाई नहीं दे रहा हो कैमरा में, परंतु ये ऐसे ही वर्क करता है। दोस्तों जो ब्लास्ट था वो आप लोगों को कैसा लगा, हाइड्रोजन गैस बनाने की तरकीब हमारी कैसी लगी, क्योंकि कई वीडियोज में देखा था वहां पर क्या होता था, वहां पर जैसे ही एल्यूमिनियम फॉइल डालते हैं कास्टिक सोडा के घोल के अंदर तो तुरंत से हाइड्रोजन बनने लगती थी, तो हम लोगों ने भी यही सोचा था। परंतु आप लोगों को बता दो इस वीडियो में लगभग 45 मिनट हमने जो ये टाइम लैप लगाया है, आप लोगों ने जो पहले देखा तो 45 मिनट तक इसमें इतनी सी ही गैस बनी थी, और काफ़ी सारी मात्रा में हमने कास्टिक सोडा डाला था और काफ़ी सारी मात्रा में हमने जो उसमें एल्युमिनियम फॉइल डाला था, परंतु वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। अब वो किस लिए नहीं हो पाया, उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो तो मेरे को ये लग रहा है कि जो ऑक्सीजन थी इस बोतल के अंदर उतनी ही थी जितनी हाइड्रोजन बनी, उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो रिएक्शन वहाँ पर रुक गया। और अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बचा है। तो यहाँ पे बोतल का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया है, आपको वीडियो में महसूस तो नहीं करा सकता पर मैं बता सकता हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको निकाल के देखते हैं इसमें क्या निकलेगा, यहीं पे देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एल्युमिनियम फॉइल थी पूरी के पूरी गल चुकी है इसके अंदर, और इसके नीचे अभी कास्टिक सोडा जमा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी तरह से हम लोग इसको मिला नहीं पाए थे तो इस वजह से इसमें जमा रह गया है, और मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाली थी हमने। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी कनों की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।